सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। गाइस, अगर आप लोग भी एक स्मार्टफोन परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपका भी बजट 10,000 या फिर उससे कम का है, तो आज मैं आपके लिए टॉप 5 फोन्स लाया हूँ अंडर 10,000। गाइस, मैंने यही कुछ 20 स्मार्टफोन्स को एनालाइज किया जो 10,000 से अंदर है और एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने 5 स्मार्टफोन को पिक किया है आप लोगों के लिए। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे 5 स्मार्टफोन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि 10,000 से अंदर तो है लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग 10,000 से अंदर नहीं होने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन त्रिपाठी एंड यू आर वॉचिंग वी मेक पीपल क्रेजी। पूरा देखना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पोजीशन पे जो फोन है वो है रियलमी नॉर्जो 10 है जो हम लोग को लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, हम लोग को हेलियो G70 AI प्रोसेसर विद क्वाड कोर 12 नैनोमीटर के साथ देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसके रैम और रोम की बात करें तो ये हम लोगों को 3GB रैम और 32GB रोम के साथ देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो ये हम लोगों को ट्रिपल कैमरे के साथ देखने को मिल जाता है जिसमें कि इसका जो मेन कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल है और जो फ्रंट कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल है। इस फोन में हम लोगों को डिस्प्ले जो है वो फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि है 6.5 इंच का। अगर हम लोग इसके बैटरी बैकअप की बात कर लें तो हम लोगों को इसकी बैटरी बैकअप जो देखने को मिल जाती है वो 5000 mAh की बैटरी विद 30 डेज स्टैंड बाय। अब बात कर लेते हैं इसका इंडिया में प्राइस क्या होगा, तो इंडिया में इसकी प्राइस है 8,499 और ये फोन हम लोगों को 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। पहला वेरिएंट है सो ब्लू, दूसरा वेरिएंट है सो वाइट। तो इसकी बिलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे जो मोबाइल है वो है टेक्नो स्मार्क 5। जी हाँ दोस्तों, टेक्नो स्पार्क 5। ये फोन हम लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग इसके प्रोसेसर की बात करें तो ऑक्टा कोर कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाता है जो कि इसकी जो परफॉर्मेंस है गाइस वो मीडिया टेक हीलियो A22 परफॉर्मेंस के साथ ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रैम की और रोम की। 2GB रैम 32GB रोम के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो ये फोन हम लोग को ट्रिपल कैमरा के साथ मिल जाता है जो कि है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल जो कि इसके अभी तो बैक कैमरा था। अब रियर कैमरा की बात कर ले तो रियर कैमरा इसका है 8 मेगापिक्सल। ये फोन हम लोग के लिए सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छा फोन है और जी हम लोग कैमरा के लिए बहुत अच्छा फोन है। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो ये हम लोग को 5000 mAh की बैटरी बैकअप के साथ देखने को मिल जाता है। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये अप्रॉक्स 7500 के करीब है इंडिया में इसकी प्राइस। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग वहां से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो तीसरा फोन है वो भी रियलमी का है और वो है रियलमी C3। ये फोन भी हम लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 के साथ देखने को मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो इसका प्रोसेसर हम लोग को देखने को मिल जाता है हीलियो G70 प्रोसेसर हम लोग को देखने को मिल जाता है विद ऑक्टा कोर CPU। ये फोन हम लोगों को 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। पहला है 3GB रैम 32GB रोम, दूसरा है 4GB रैम 64GB रोम। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके डिस्प्ले की, तो ये हम लोगों को फुल मिनी ड्रॉप डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है जो कि 6.5 इंच का डिस्प्ले है। बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, तो इसका कैमरा जो है इसमें डुअल कैमरा हम लोगों को देखने को मिल जाता है जिसमें कि मेन कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल का। बैटरी की बात कर लेते हैं, इसमें भी बैटरी हम लोग को 5000 mAh की यूज बैटरी तो देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर इसकी बैटरी के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें तो इसमें पबजी का जो स्टैंड बाई है वो 10.6 आर का हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस जो कि इंडिया में होगी, तो इसकी प्राइस इंडिया में अप्रॉक्स 8000 है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2nd में जो फोन है वो है वीवो U10 जो कि हम लोगों को एंड्रॉइड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम लोग इसके प्रोसेसर की, तो ये हम लोग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 AIE प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाता है जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को देगा। और वीवो है कैमरा के लिए इतनी मशहूर कंपनी है, तो हम लोग इसमें कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसमें हम लोग को
ट्रिपल कैमरा मिल जाता है जो कि है 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, जो कि हम लोग को बैक का कैमरा मिल जाता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें हम लोग को 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम की, तो यहाँ ये फोन हम लोगों को 3GB रैम प्लस 32GB रोम के साथ देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 5000mAh की बैटरी हम लोग को देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले भी अच्छा खासा है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो प्राइस इसकी है 9990, क्वाइट ज्यादा है कंपैरिजन में। मेरे लिस्ट में जो नंबर 1 फोन है जिसका हम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो और कोई नहीं, कूल पैड कूल 10 है, जो हम लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 के साथ देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो ये प्रोसेसर है क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडिया टेक P30 चिपसेट के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि एक ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस ये फोन हम लोगों को देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम की और रोम की, तो रैम है इसकी 6GB रैम और रोम है इसकी 128GB रोम। डिस्प्ले भी इसका यूज है, मतलब ठीक ही ठाक है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है। कैमरा की बात करें तो हम लोगों को ये 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है और फ्रंट कैमरा की बात करें तो हम लोगों को 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब इसके बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, 5000mAh की बैटरी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन फिक्स है, जो कि है 9500। अगर आपका बजट 10,000 से कम का है तो आप ये फोन में से कोई एक फोन पिक करें अपने यूटिलाइजेशन के ऊपर। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना यार, चैनल पे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया मत जाना यार, क्योंकि यार वो तुम लोग देख लेते हो वीडियो पूरा और सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे पता चल जाता है 60% लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किसी चीज़ की वेट कर रहा है, मेरे चैनल का लोगो भी आप लोगों को दिख रहा है, सब्सक्राइब करके जाओ यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।